हराली प्रखंड के अति दूरस्थ क्षेत्र अलाकोट गांव में 3 दिवसीय ओम श्री भिंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक बहुउद्देशीय महोत्सव का विधि विधान पूर्वक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत आलकोट के GIC खेल मैदान में क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतों के भिंसर महादेव के भक्तों द्वारा आयोजित ओम श्री भिंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ पुजारियों क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, बेतालेश्वर महादेव मंदिर थराली के महंत सच्चिदानंद गिरी महाराज, 9 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान गणों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मां सरस्वती चित्र और विंसर महादेव के प्रतीक पर चिन्ह पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया। धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए, आपने प्रतिभाग किया। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत क्षणिक समय में इस कार्यक्रम को रखा गया था और मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है बड़ा सहयोग हम लोगों को दिया है। और अगर भीड़ नहीं होती तो महोत्सव भी नहीं होता। और आप लोगों ने जो है अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और आने वाले दो दिन हमारे कल भी यहाँ पे हमारे जो प्रतिभाएं हैं ग्राम स्तर पे, जो प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा यहाँ कल प्रतिभाग किया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रमों की उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और 14 बात करता हूँ कि आप हमारे इस मंच में उपस्थित हुए और हमारे भिंसर महादेव के सभी भक्तजनों द्वारा ये आपस में चर्चा की गई कि हमारे इस क्षेत्र की पहचान जो कि नौ ग्राम पंचायतें हमारे थराली ब्लॉक में मिली हैं, उनका विकास के लिए हमारा एक साझा गैर राजनीतिक मंच होना चाहिए। और उस मंच के तहत हमारे ये 3 दिवसीय भिंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक आयोजन हुआ और इसका आज हमारा प्रथम दिवस का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कल भी हमारे जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और परसों को हमारी वहाँ पर जो है पूजा पूरे भक्त लोगों के साथ वहाँ पर भिंसर महादेव की हमारी मूर्ति वहाँ पर विराजमान होगी और मंदिर निर्माण के लिए हमारा उत्तरायण से आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। और उसके बाद हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप उसमें मतलब तन मन धन से और श्रद्धा विश्वास और एक समर्पण की भावना से वहाँ पर उपस्थित होने की कृपा करेंगे।